ये वाला पाइप हम डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से पेट्रोल निकलना स्टार्ट हो गया है 20 है, तो पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है भाई। सो पहले क्या करेंगे, हम एक पानी की बोतल लेते हैं 1 लीटर वाली, देन क्या करेंगे इसका पूरा पेट्रोल जो है हम निकाल देंगे। 1 लीटर की जो बोतल है ना पानी की, सो उसके अंदर हम 1 लीटर पेट्रोल ले लेंगे। जितना भी इसके अंदर पेट्रोल बचेगा निकालने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, गाड़ी को रन करेंगे, जहाँ पे हमारी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी वहाँ पे हम 1 लीटर डालेंगे। सो मैं यहाँ से पानी की बोतल ले लेता हूँ 1 लीटर की, पता नहीं कौन सी है ये, बट 1 लीटर की है। 20 डन, पानी की बोतल ले ली है। Hey guys, good morning, welcome in new vlog. So, आज का ब्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अलग है। सो आज जो है ना, हम अपने KTM RC 200 का माइलेज टेस्ट करने वाले। सो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे और अपने घर से कम 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। जो हमारा रूम है ना, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। सो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे पार्क कर दिया है और हमने एक पानी की बोतल परचेज कर ली थी 1 लीटर वाली। सो ये 1 लीटर की पानी की बोतल है। सो 1 लीटर इसमें आता है, लिखा है इस पर 1000 ml, आई थिंक दिख भी रहा होगा 1000 ml। सो अभी जितना भी हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है ना, हम उसको एकदम खाली करने वाले, पूरा टैंक खाली करने वाले। सो इतना मेरे को अंदाज़ा है कि 5 लीटर पेट्रोल हो सकता है, तो इसके लिए ये भी ले लिया हमने। एक बोतल और है हमारे पास 2 लीटर की, तो पहले पूरा पेट्रोल इसमें से खाली करेंगे, देन फिर हम 1 लीटर पेट्रोल इसके अंदर डालेंगे। आपके सामने पूरा टेस्ट करने वाले हैं, एकदम जेन्युइन टेस्ट होगा, हर एक चीज़ क्लियर होगी। और बहुत सारे लोगों की कहना ड्रीम बाइक है ना, KTM RC KTM Duke। सो ये है हमारी गाड़ी है KTM RC 200 VS6। तो हम आज इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, तो चलो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या है ना, पेट्रोल पूरा इसका गाड़ी से पूरा निकाल लेते हैं। ये वाला पाइप हम डालेंगे इसके अंदर, तो यहाँ से पेट्रोल निकलना स्टार्ट हो गया है। आधी टैंक से ज़्यादा टैंक है, पेट्रोल निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं तो 1 लीटर पेट्रोल हमने ये ले लिया है, जैसे आप देख रहे हैं 1000 ml लिखा हुआ है, और बकाया हमारा इसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल इसके अंदर निकला है। तो ये इसका हमने अलग रख लिया है, ये लो इसको, ठीक है। तो पहले इसको रन करते हैं और इसको हम सेपरेट रख लेते हैं, इसके अंदर बैग के अंदर डाल लेते हैं। तो जहाँ पे बंद होगी ना, वहाँ पे हम पेट्रोल डाल देंगे इसके अंदर। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर 1 लीटर अलग। तो भाई ये जो है ना, देखो स्टार्ट ही नहीं हो रही है अब। सो फाइनली देखो, पूरा पेट्रोल इससे ख़त्म हो चुका है। अभी पेट्रोल इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, मतलब हमने सोचा कि थोड़ा वो चलेगी ये गाड़ी, आगे तक जाएगी, बट हमने पाइप से पूरा निकाल दिया है, तो अभी बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मतलब इस पेट्रोल बिल्कुल खाली हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, कोई भी पेट्रोल का पॉइंट नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल खाली हो चुका है। सो अब पहले हम 1 लीटर पेट्रोल डाल देते हैं इसके अंदर, 1 लीटर पेट्रोल है और इसके अंदर अब डालने वाले हैं हम, और फिर हम टेस्ट करेंगे कितना चलेगी। सो पेट्रोल इधर डाल देते हैं, तो ये नेट 1 लीटर पेट्रोल हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ना गाइज, 12139 किलोमीटर ये अभी तक चली है। तो 12139 मैं एक अपने उस पर नंबर पे सेव कर देता हूँ, 12139 की मैंने रेटिंग ले ली है, ठीक है। अभी चेक करेंगे कितना चलेगी ये। तो अब धमाल वाली एक राइड मारते हैं, देखेंगे कितना चलती है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी हो रही है ना, पसीना आ गया इस टाइम। दौड़ाते हैं थोड़ा फास्ट, कितने किलोमीटर तक जाएगी। पकाया टाइगर बहुत ही मज़े दे रही है यार, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ यार, सच में जितनी स्मूथ चल रही है ना, ऐसे हाईवे पे मैं 700-800 किलोमीटर की राइड मार सकता हूँ। 700-800 किलोमीटर की मैं एक दिन में राइड मार सकता हूँ, इतनी स्मूथ चल रही है। हालांकि मैं बहुत बड़ा राइडर नहीं हूँ, अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है राइडिंग करना, तो मैं कभी भी 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी राइड नहीं किया था। तो बैंगलोर के लिए मैंने राइड किया था उस टाइम पर 300-400 किलोमीटर, और मैंने गोवा की राइड की थी, तो वो की थी मैंने 500 किलोमीटर लगभग एक दिन में। तो यही सबसे बड़ी राइड थी मेरी, बट प्लानिंग चल रही है मेरी राइड की, लॉन्ग राइड की, जैसे मुंबई केरला वगैरह राइड करने की। ₹104-105 टच करते हुए, दो लोगों में तो 110-120 के बीच में ही जाती है। अगर मैं सिंगल राइड करता हूँ 137 तक मैंने टॉप स्पीड चेक की है, तो टॉप स्पीड जो सिंगल पे जाती है 137 मैक्सिमम जाती है, और दो लोगों में 115-120 के बीच में ऐसा कुछ। अभी चेक करके देख लेते हैं दो लोगों में कितना जाएगी टॉप स्पीड।
120, दो लोगों में 120 तक जा रही है। वाह क्या बात है। तो हम ऐसे ना जाके यू टर्न ले लेते हैं क्योंकि हमें इजी भी पड़ेगा और हम घर के पास में भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं पे यू टर्न ज़रूर है। बकाया मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। देखो फुलवाड़ी ना देखो कितनी मस्त वाली है यार। आगे देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, जैसे हिल्स है और यह डाउन है। बैंगलोर काफ़ी ऊँचे पे है यार, अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊँचे पे है बैंगलोर। सोचा कि रिटर्न चलेंगे, हाईवे है और ये जो है हम इतना इधर को फ्यूल अपना ख़राब करेंगे, इससे अच्छा इधर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्यूल का पैसा भी बचेगा क्योंकि एक्स्ट्रा फ्यूल क्यों खर्च करें। टेस्टी तो कर रहा है, हाईवे है, कहीं भी कर लो। आई थिंक अभी 14 किलोमीटर चल चुकी है, पूरा खाली खाली पड़ा है यार। बैंगलोर में तो वो खेती किसानी तो होती नहीं है, पूरा ऐसी पड़ा है खाली। इधर साइड में पूरा खाली है, बस नारियल के पेड़ है, कुछ एरिया है जहाँ पे थोड़ी बहुत खेती होती है, नहीं तो पूरा खाली पड़ा रहता है। 154 तक आ चुके हैं, 137 से स्टार्ट किए थे, 154 किलोमीटर आ चुके हैं। पेट्रोल का कोई भी साइन नहीं आ रहा है। सो बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है यार KTM, बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है, बहुत लोगों के सपने हैं कि KTM लें और चलाएं। तो उन लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि कितना एवरेज दे दिए आपकी ड्रीम बाइक। पेट्रोल तो ख़त्म हो चुका है, फिर भी देखते हैं कहां तक चलती है। चल रही है अभी तो, चल रही है भाई, जा रही है अभी तक जा रही है। 12,157 किलोमीटर अभी तो चल रही है भाई, कहाँ तक जाती है देखना है। 12,160 हो गया भाई, अब बंद हो गया भाई बिल्कुल ही। तो पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है भाई। रेटिंग चेक कर दें कितना चल गई है। 12,162 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, तो अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया है पेट्रोल। तो अभी पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गाइस, जैसे आप देख रहे हैं ना पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसकी रेटिंग चेक करते हैं, 12,162 किलोमीटर पे इसका पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया है। 12,139 माइनस 12,162, 23 किलोमीटर, 23 का एवरेज दे रही है। हमारी टाइगर का जो एवरेज है वो 23 का है भाई। सो ये है इसका एक्चुअल एवरेज गाइस। तो अभी क्या है ना, जो हमारे पास ये वाला पेट्रोल है 5 लीटर, अभी हम इसके अंदर डालने वाले हैं, पाइप से ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे आप पेट्रोल फिल कर देते हैं 5 लीटर। बड़ा बढ़िया जुगाड़ बनाया भाई तूने, ये ग्लास ECU फेलियर। ये ECU क्यों लिख के आ रहा है भाई, पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए यार। ECU फेलियर करके लिख के आ रहा है, पता नहीं क्या है यार, डरा रखा है इसने तो। सो ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा यार। तो आज का ब्लॉग में हमने यही टेस्ट करना था और कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा गाइस, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अरे अरे अरे, सुपर स्टार बन रहा है यार ये तो।